हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास सिक्स। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 to 11। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है इवैल्यूएट दिया है, इवैल्यूएट। लेकिन इसको बताने से पहले मैं सबसे पिछले क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ कि जो 5 वाला क्वेश्चन था हमारा, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कैसे किया था। लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं करना, केवल इवैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई ब्रेकेट हटाएंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई जो दिया रहेगा वैसे करेंगे, फिर उस नंबर्स पर आएंगे। कैसे आएंगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले पार्ट को देखेंगे, -483 -287। देखिए मैंने बताया था सबसे पहले ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, ब्रेकेट सॉल्व करने के लिए ब्रेकेट इसको सॉल्व करने ब्रेकेट को हटा देंगे, हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -483। यहाँ पर देखिए प्लस साइन होता है, नहीं दिया तो प्लस साइन और माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके माइनस, ये हो गया 287। ओके, मैंने अभी बताया था, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि यदि माइनस है या माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस का जब एडिशन करेंगे तो माइनस आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 73 वंस वाले वंस प्लेस वाले को वंस प्लेस पर 73 हो गया 10, वन कैरी 8 16, वन कैरी 17, वन कैरी हुआ अभी 4 2 6 होता है और वन कैरी 7, ये है हमारा आंसर। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब और जो सॉल्व करने हैं हमें, तो इसी तरीके से सॉल्व करने हैं और बहुत ही सिंपल हैं। एक और बता दे रहा हूं मैं, बी को बी दिया है हमारा 1 2 3 4 -1956। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ब्रेकेट हटाएंगे सबसे पहले 1 2 3 4, देखिए माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस 1956, ऐड करेंगे तो 64 हो गया 10, वन कैरी 538, वन कैरी 9, 9 2 11, वन कैरी 112, वन कैरी 3, ये है हमारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ लेस मोर और इक्वल साइन, फिल इन द ब्लैंक लेस मोर और इक्वल साइन। तो इसमें जो लेस है उस लेस का साइन फिलअप करना है, जो इक्वल है इक्वल का साइन करना है, तो इसको आप सब सेल्फ अटेंड कीजिए। ठीक है, क्या करना है कैसे करना है, 20 -4 इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 24, और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा -16। तो अब 24 प्लस में और -16, कौन सा लेस है कौन सा इक्वल है, कौन सा साइन फिलअप होगा, ग्रेटर है, इधर जो मोर है ग्रेटर है उसी की तरफ साइन को लगाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे आसानी से सॉल्व करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, सॉल्व दी फॉलोइंग, इन सबको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने एक इस क्वेश्चन को बताया और इस क्वेश्चन को बताया था, कहने का मीन्स 5 और 6 को बताया था, उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं एक देख लेता हूँ ए पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 8 ए पार्ट, -10 +-31 -21 +5। इसको जब सॉल्व करेंगे, मैंने सबसे पहला रूल बताया था, क्या बताया था, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर -10 + -31
प्लस फाइव। और मैं एक रूल और बताया था कि माइनस वाले को माइनस के साथ ऐड करना है, प्लस वाले को प्लस के साथ ऐड करना है, ठीक है, इतना याद है। ओके, माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस आएगा, और 31 10 को ऐड करेंगे तो 41 हो गया, माइनस 41। देखिए माइनस माइनस जो होता है ऐड होके माइनस में आता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस ऐड होके प्लस में आता है, तो ये प्लस में ऐड होके आ गया 26। अब मैं एक बात और बताया था, क्या बताया था, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने का वही रूल है, सबसे पहले बड़े में से छोटी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहने का मीन्स 41 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी साइन को मत देखिए, साइन को भूल जाइए, 41 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया, 15 आ गया, कितना आ गया 15। अब देखिए जो 15 आया उसे हम राइट कर देंगे। ओके, यहाँ अब देखेंगे हम कि बड़ी संख्या कौन सी है, ग्रेटर संख्या, ग्रेटर नंबर कौन सा इसमें है, 41 है, तो 41 के सामने कौन सा साइन लगा था, माइनस है, तो उसी माइनस को हम इसके आगे लगा देंगे। यह है हमारा सॉल्यूशन और आंसर भी, ये था हमारा रफ वर्क। और इसी तरीके से तीन पार्ट और हैं, उसको भी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -89, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इन इज -89, इफ वन ऑफ देम इज 17, फाइंड द अदर। बहुत ही सिंपल है, कैसे सिंपल है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आप सब इसको बहुत ही अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। लिखा यहां पर सम ऑफ टू इंटीजर, सम तो सम लिख देंगे हम यहां पर -89। ओके, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम का मींस होता है फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर, जैसे सम करेंगे तो दो नंबर का सम है, ठीक है, टू इंटीजर सम, तो इसको मैं फुल लिख देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू -89, वन ऑफ देम उनमें से एक, यह है हमारा 70, अदर, अदर यानी दूसरा, उसको हमें फाइंड करना है। इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू फर्स्ट इंटीजर प्लस सेकेंड इंटीजर। ओके, सम ऑफ टू इंटीजर, दो इंटीजर्स का योग जो होता है वो दोनों इंटीजर्स को ऐड करने पर मिलता है, तो यहाँ पर वैल्यू को पुट अप करेंगे हम, तो इंटीजर्स दिया -89 इक्वल टू फर्स्ट दिया है 17, और प्लस सेकेंड इंटीजर ये हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं सेकेंड, ठीक है, तो हमें सेकेंड को फाइंड करना, तो सेकेंड को हम ऐसे ही रहने देंगे, -89, इस 17 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -89 -17। ये -17 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन परिवर्तन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये इक्वल टू की उधर जा रहा है, दूसरी साइड जा रहा है, तो साइन चेंज होता है, यदि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, ये हो गया -17। अब देखिए जो सेकेंड नंबर निकलेगा हमारा, इसी को सॉल्व करके निकलेगा, मैं बताया था दोनों माइनस है तो माइनस आएगा रिजल्टेंट, 97 होता है 16, वन कैरी 8 1 9 1 10, 106। ओके, अब देखिए हमें इसको चेक कैसे करना है कि ये सही है या रॉन्ग है, राइट है या रॉन्ग है, तो -106 प्लस 17 कीजिए, -89 आ जाएगा, ठीक है, तो जो लगाया गया वो सही है।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -12 एंड 14 फ्रॉम -54। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -12 एंड 14 फ्रॉम -54। ये जो कहा है क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम शॉर्ट में डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? कहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -12 एंड -12 एंड 14। सब्ट्रैक्ट द सम, पहले हम सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? -54 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, इसको इस तरीके से लगाएंगे, पहले ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम -54 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे किया जाएगा? -54 माइनस को इसे लगा दीजिए, ये -12 है, ये +14 है। ओके, -54 माइनस, अब हम देखिए प्लस एक माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -54 -2। ओके, माइनस माइनस माइनस, 54 2 ये हो गया 56। ठीक है, ऐसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और एक है 11, उसको मैं बता दे रहा हूँ किस टाइप से इसको सॉल्व करना है और आप सब उसे सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -16 एंड -19 फ्रॉम द सम ऑफ -36 एंड 52। इसको हम एक लाइन में कैसे लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, फ्रॉम का है ना, पहले फ्रॉम वाले को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम वाला जो दिया गया हमारा वो है -36 एंड 52, सम वाला हो गया। इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -16 और -19 को। इसको आप यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, दोनों को इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को पहले मत हटाइएगा, इस छोटे छोटे ब्रैकेट को हटाइए। हटाने के बाद जो आएगा, अब इसको जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस जो भी साइन होगा मल्टीप्लाई होकर मेन साइन आएगा। अब हम उसको सॉल्व करेंगे लास्ट में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को किया था। अभी आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कीजिएगा। यदि प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए, हम उसको बताएंगे। ओके, और इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। और खुशी की बात यह है कि एक्सरसाइज के साथ ये हमारा चैप्टर फोर भी कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 5, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मीन होता है भिन्न, क्या होता है? भिन्न। तो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 फ्रैक्शंस पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।